फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि होममेड ग्रीन फूड हम घर पर ही हमारे फ़िश को जब अगर अचानक से कभी खाना हमें मार्केट में मिलना बंद हो गया, हमारे पास फ़िश फूड नहीं है उस कंडीशन में दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, जैसा कि हमारा जो फूड होता है रेगुलर, जैसा कि वर्म्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, लाइव वर्म्स होते हैं दोस्तों, जो हमारे ग्रेवल्स होते हैं, ये सभी टोटली जो मछलियों के दाने हम तो रेगुलर देते हैं दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मछलियों का भी उनका जो खाना होता है तो उसको भी थोड़ा सा चेंज करके देना होता है दोस्तों। जो चेंज करके देंगे तो मछली हमारी हेल्थी और एकदम कलरफुल रहेंगी। तो उसके लिए दोस्तों हमें तो जो ग्रीन वाला जो हमारे घर पे जो फूड होता है दोस्तों, घर में होममेड फूड क्या क्या दे सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कुकुम्बर, जो कि हमारी ककड़ी होती है घर में। जैसा हम जो सभी ककड़ी जो घर में हम जो खाते हैं दोस्तों, उसी ककड़ी को भी हमें तो वीकली है तो दो टाइम दे सकते हैं। तो दोस्तों वीकली हमें कुछ ककड़ी कुकुम्बर को देने के लिए दोस्तों पहले स्टार्ट में उसके छोटे छोटे पीसेस बनाने होंगे दोस्तों। वो छोटे छोटे जो पीसेस हम बना देंगे दोस्तों, तो ये जो हमारी एकदम स्ट्रांग रहेंगी फ़िश के लिए। और इसी जी छोटे छोटे पीसेस बनाने के बाद देखिए दोस्तों, ये पहले हमने सिर्फ उसको राउंड कटिंग की है, उसके बाद थोड़े से छोटे पीसेस करेंगे। और तो इसको दोस्तों अभी सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो फ़िश है गप्पी फ़िश को मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। गप्पी फ़िश को हम डालेंगे यहाँ पर, तो गप्पी फ़िश दोस्तों ये एकदम अच्छे से इसको खा लेंगी दोस्तों। जब भी हम ये ग्रीन वाला फूड देंगे तो ये इसको 10 मिनट के लिए हमें तो फ़िश को खाने के लिए छोड़ देना है, छोटे छोटे पीसेस बना के जो फ़िश हो तो आराम से खा सके। क्योंकि तो दोस्तों गप्पी फ़िश के जो छोटे मुंह होते हैं तो उसके अंदर उसके मुंह में भी बैठना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसके जो इतने बड़े पीसेस नहीं बनाएंगे, थोड़े छोटे पीसेस बनाएंगे दोस्तों। और 8 दिन में 2 टाइम है इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हम दूसरे वाले भी जो हमारे पास में घर में जो यूज़ करने वाले जो हम जो खाते हैं दोस्तों, उसको भी नेचुरल वाला जो फूड दे सकते हैं। तो वो नेचुरल वाले फूड के बारे में भी देखेंगे दोस्तों, और कौन कौन से फूड है तो हमें देना होता है इसके लिए। हम दोस्तों जैसा कि हमारे घर में हम जो यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है दोस्तों पत्ता गोभी, ये जो पत्ता गोभी है दोस्तों, इसके हम छोटे छोटे पीसेस बनाकर फ़िश को हम ये भी दे सकते हैं। और दोस्तों कभी भी हैं तो फिश फूड देंगे, ज़्यादा ओवर फिटिंग नहीं करेंगे दोस्तों, एकदम लिमिट में देंगे। तो ये हमारे जो फिशेस है इसको 8 वीकली है तो 8 दिन में 2 से 3 टाइम हम दे सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों हमें तो हमारे जो रेगुलर के जो फूड होते हैं उसी को भी थोड़ा सा इसको देना ज़रूरी होता है। अभी तो सभी को पता है दोस्तों कि फूड पैकेट है तो मिलने थोड़े मुश्किल हो चुके हैं, क्यों तो अभी टोटली लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमें तो हमारे घर पे बनाकर है तो फिश को होममेड फूड ही देना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं अगले वीडियो में आपको हमारे पास में नॉनवेज फूड जो चिकन होता है या मटन होता है दोस्तों, उसको यूज़ करते हुए किस टाइप से हम घर में फूड बनाना है तो मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ग्रीन फूड में हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों पालक के पत्ते होते हैं, पालक के पत्ते भी हमें तो इसको थोड़ा सा पानी में थोड़ा हल्का सा दोस्तों गर्म पानी में उबाल कर उसको तो हमारे मछलियों को दे सकते हैं। ग्रीन पीस होते हैं दोस्तों, इस ग्रीन पीस को हमें तो ऊपर से छिलका निकाल कर छिलके के अंदर का जो मगज़ होता है जो राउंड बॉल के अंदर, उस मगज़ को भी हमें तो फ़िश को देंगे। तो दोस्तों ये फ़िश के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके लिए दोस्तों ये जो इसके लिए प्रोटीन, इसकी प्रोटीन विटामिन जो भी होता है दोस्तों, इसके लिए एकदम स्ट्रांग रहेगा और इससे मछली अपनी बीमारी से भी बचेंगी दोस्तों। तो ये हमें ग्रीन पीस भी हमें तो बनाकर इसको तो छोटे छोटे पीसेस बनाकर जो मछली के मुंह में जा सके ऐसे पीसेस बनाकर हम टैंक में डाल देंगे दोस्तों, तो ये मछली भी बड़े मज़े से शौक से खा लेंगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ में जो हमारे पास में आसपास जो जहाँ तक मिट्टी जमा होती है, जहाँ गीला रहता है, उसके अंदर जो अर्थवर्म होते हैं, ये अर्थवर्म भी हमें तो हमारे फिशेस को देंगे। तो ये बड़े फिश है तो ये जो फिश है दोस्तों ये लाइव वर्म्स का काम करेंगे दोस्तों। अर्थवर्म को हमें छोटे छोटे पीसेस बनाकर भी हमारे फिश को डाल सकते हैं। जब हमारे बड़े फिश है तो खा लेंगे दोस्तों, छोटे फिश नहीं खा पाएंगे। हमारे फिश के लिए दोस्तों एकदम स्ट्रांग फूड बन जाएगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में दोस्तों ये जो ग्रीन फूड आप बिल्कुल ट्राई करके देखिए। और इसी के साथ अगले वीडियो में मैं 2-3 आइटम और भी बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि हम राइस है, राइस को भी हमें तो उबाल कर दोस्तों थोड़ा है तो कम क्वांटिटी में हमें तो वीक में 2 से 3 टाइम राइस को भी कभी कभार दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन टोटली हम ग्रीन फूड के ऊपर या राइस के ऊपर या डिपेंड नहीं रह सकते। इसको हमारे पास में जैसा रेगुलर जो फूड होता है उसको भी हम उसके हिसाब से तो कभी कभार उसको गैप देकर इस फिश को भी हम यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। और हमारे फूड के लिए तो
देने में हेल्प मिलेंगी फ़िश को भी, और फ़िश को भी स्ट्रांग रहेंगी, मछली हमारी अच्छी रहेंगी दोस्तों। गोल्ड वेलो फिश, गोल्ड फिश है, कोई फिशेस है, सभी फिशेस को बड़े शौक से खाती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में और नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, और मैं आपको नॉनवेज वाला फूड बनाने का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।